Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 26th of December 2020. Let us see what you have to read in the newspapers today. So the purpose of this video series is to tell you news have to read and which you read. So with the rich experience of more than 20 years at Abhimanyu IAS, we have analysed that most of the serious students even, they waste a lot of their time

तो आज देखते हैं कि आपको आज के न्यूज में क्या क्या न्यूज पढ़नी है स्टार्टिंग विद द हिंदू दो न्यूज जो रेगुलरिटी में आपको करनी है वैक्सीन के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं इंडिया में और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर बॉडीज और गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या बातचीत हो रही है दीज टू न्यूज ये हर दिन न्यूजपेपर में आ रही हैं पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से एंड दीज आर इन तो ये दोनों इनकटीन्यूम ये न्यूज़ आपको पढ़नी है नथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट उसके बाद आ जाते हैं हम ऑन द एडिटोरियल पेज अ वेरी वेरी गुड एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स एंड एन एक्टिविस्ट्स जुडिशरी ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर फैजान मुस्तफ़ा ने काफ़ी इन्फ्लुन्शल वॉइस हैं ये इन द नेम ऑफ इन द फील्ड ऑफ लॉ तो ये नालसर हैदराबाद के डीन रह चुके हैं मिस्टर फैज़ान मुस्तफ़ा इन्होंने आर्टिकल लिखा है रिसेंटली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर में एक लाइन बोली और उसमें कहा गया दैट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ नॉट एबल टू गवर्न इट सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इज नॉट एबल टू गवर्न इट सेल्फ एक रिट पिटिशन के जवाब में कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन ले ली कि क्या स्टेट में आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स इम्पोज किया जा सकता है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जुडिशरी का डोमेन नहीं है ये एक्जैक्यूटिव का डोमेन है द एगजेक्यूटिव हैज टू डिसाइड वैदर दिस एमरजेंसी हैज़ टू भी इम्पोज और नॉट एमरजेंसी इम्पोज होने के बाद वो कोर्ट में चैलेंज हो सकती है कि वो सही से इम्पोज हुई थी या नहीं बट इन द फर्स्ट प्लेस इफ़ द जुडिशरी इज सेग दैट द सिचुएशन एग्जिस्ट इन अ स्टेट दैट वॉरेंट्स द प्रेजिडेंट्स रूल ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है तो इसमें यही क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है इट अप द पॉसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल यूज़ और मिस यूज ऑफ आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स तो आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी और प्रेजिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी तभी लग सकती है जब गवर्नर प्रेजिडेंट को ये रिकमेंड करे कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ब्रेकडाउन हो चुकी है और अब स्टेट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चला सकती लेकिन इसमें जुडिशरी का उस लेवल तक कोई रूल नहीं कोई भी उसमें रोल जो है वो नहीं होता है दिस इज समिंग अनप्रेसिडेंटेड एड द कोर्ट हैज डन ये आर्टिकल आपको पढ़ना है फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑन नंबर वन द सेपरेशन ऑफ पावर्स नंबर वन ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स ये एक डॉक्ट्रीन है कैसे इस ऑर्डर का फर्क पड़ता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है देर आर थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तो क्या ये जुडिशियल ओवर रीच है क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है डिसीजन दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टडी सेकंड एमरजेंसी प्रोविजंस को रिवाइज करना है आपने ऑल द एमरजेंसी प्रोविजन एंड देयर क्रिटिकल एनालिसिस तो जो लोग मेंस लिख रहे हैं अगले महीने यूपीएससी मेंस या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज का मेंस दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू हैव अ रियली रियली फोर्सफुल वेरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन योर पॉलिटी क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज जजमेंट से रूलिंग से या करंट में जो भी चल रहा है उसे एक क्वेश्चन आ जाता है सो ऑन दिस टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड रिवाइज तो ये आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना है सेकेंड एडिटोरियल इज ऑन रिचार्जिंग डी टी एच डायरेक्ट टू होम में डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में यूनियन कैबिनेट ने 100 हंड्रेड परसेंट एफ अलाउ कर दी है तो उसके ऊपर ये एक एडिटोरियल uh, है इसको आप पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अच्छा एडिटोरियल है ये इंप्लीकेशन क्या क्या होंगे इसके कॉम्पिटिशन पे एंड ऑल दैट यू हैव टू स्टडी तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रेग्जिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है इनफैक्ट इस मंथ की अगर कोई चार पांच न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगराइज की जाए तो ब्रेग्जिट डील इज वन ऑफ दोज न्यूज तो उसके ऊपर ये एक आर्टिकल है कि नो डील ब्रेग्जिट से तो अच्छा ही हुआ कि एक डील साइन हो गई वट आर द यू कैन से टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डील ये आपको पता होनी चाहिए उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा उसका ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड पे क्या इंपैक्ट होगा इमिग्रेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा दीज आर द फैक्ट्स दैट यू हैव टू अप्राइज योर सेल्फ अबाउट तो ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं उसके बाद आगे चलते हैं ऑन द वर्ल्ड पेज वर्ल्ड पेज में ये जो न्यूज़ है नेपाल के ऊपर एज कोर्ट सीक्स क्लैरिफिकेशन पी एम ओली रीशफल्स मिनिस्ट्री तो नेपाल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो करनी है नंबर वन द पॉलिटी ऑफ नेपाल ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हरियाणा की जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द लेसन टू बी लर्न बाई इंडिया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना है तो एक स्पेसिफिक टॉपिक है आपके मेन सिलेबस में द कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद डर कॉन्स्टिट्यूशन तो जो नेपाल में हो रहा है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट डिजॉल्व कर दी है नाउ देर इज अलॉट ऑफ टसल विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी तो वहाँ की पॉलिटी के परस्पेक्टिव से एंड नंबर टू आई आर या इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया नेपाल रिलेशन्स का इस पर क्या इम्पैक्ट होगा या इसका इंडिया नेपाल रिलेशन्स पर क्या इम्पैक्ट होगा सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू स्टडी फ्राम हेयर तो इसके बारे में आपको डिटेल में करना है स्पेशली बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ नेबरहुड एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स अवर टाइज विद चाइना ऑल्सो नेपाल में किस तरह की गवर्नमेंट आएगी वो प्रो चाइना होगी प्रो इंडिया होगी हाउ कैन इंडिया डील विद सच अ सिचुएशन ऑल्सो नेपाल हैज़ रिसेंटली हैड बैड एपिसोड विद इंडिया रिगार्डिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट जो लिपू लेख पास एंड लिम्पियाधुरा काला पानी उसको लेकर जो भी डिस्प्यूट हुआ उस बाउंड्री को लेकर तो नेपाल और इंडिया रिलेशन वैसे ही आपको प्रिपेयर करने हैं मूविंग अड टू द सेकेंड न्यूज पेपर विच इज़ द इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस में हम सीधा चलते हैं ऑन द एडिटोरियल पेज पेज नंबर फोर्टीन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस टुडे तो सबसे पहले ये एक आर्टिकल है इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से ये जरूर पढ़ना है आपने द मीनिंग ऑफ मैरिट सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें रिजर्वेशन के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन है ये आर्टिकल आपको पढ़ना है अगेन ये पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है देन ये एग्रीकल्चर जो टसल चल रही है उसके ऊपर एक एडिटोरियल है कि जो सारी प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट डेफिसिट की है अदरवाइज इवन दी एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स आर एंडोसिंग द गवर्नमेंट बिल्स दैट एग्रीकल्चर तो ये एडिटोरियल भी आप पढ़ सकते हैं देन दीज टू यू डू नॉट नीड टू स्टडी ओके देन यस मूविंग टू पेज नेक्स्ट विच इज द आइडियाज पेज पेज नंबर फिफ्टीन इस पर यह आर्टिकल आपको पढ़ना है आइडियोलॉजी ट्रम्पस एनालिसिस एन एफ एच एस यानि कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है जिसको इसमें एनालाइज किया गया है वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के इंडिकेटर्स को साथ साथ रख के एनालाइज़ किया गया है स्टंटिंग अंडरवेट चिल्ड्रन वेस्टिंग टीन एज प्रेग्नेंसीज ये सारा डेटा कंपाइल किया गया है तो ये कुछ डेटा भी आप नोट कर सकते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसका मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एस उनके अकॉर्डिंग आप एक एक शीट बना सकते हैं अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप फिजिकल नोट्स बनाते हैं तो आप जैसे सत्रह गोल्स हैं तो आप सत्रह पेजेस को अलग से लिख सकते हैं और उनके ऊपर आप एक एक गोल को लिख सकते हैं जैसे हंगर एक पे लिख लिया एक पे एजुकेशन एक पे न्यूट्रिशन एक पे रीन्यूबल एनर्जी और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलता है उसे आप इन सत्रह कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू यू कैन से रिवाइज क्योंकि इतना सारा ये जो डेटा आता है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं वी समटाइम्स आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देम इन अ प्रॉपर वे तो अगर आपको हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कुछ कुछ फैक्ट्स याद होंगे वर्ल्ड ओवर भी और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी यू कैन यूज देम इन एनी आंसर वेन एवर यू आर राइटिंग फॉर मेन्स तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है और ये डेटा कुछ आप नोट जरूर कीजिए मूविंग हेड टू द एक्सप्लेन पेज सो पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल है लेकिन ये इतना यू कैन से इतना जरूरी नहीं है पढ़ना यू कैन स्किप दिस एक डिस्कशन है वट यू कैन स्टडी इज दिस यूएस चाइना रिलेशन पे आर्टिकल है ये. हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया के लिए यूएस रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना रिलेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यूएस और चाइना का आपस में क्या चल रहा है दैट हैज अ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द रिलेशन विद इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया तो ये आपको पढ़ना है दलाई लामा पे रिवर्स पे इंडिया की क्या पॉलिसी है यूएसए क्या कर रहा है राइट ऑलरेडी हमने क्वाड मैकेनिज्म ज्वाइन कर लिया है तो चाइना हमें प्रज्यूम कर रहा है दैट वी आर क्वाड मैकेनिज्म में बेसिकली इंडिया इज देयर यूएसए इज देयर जापान ऑस्ट्रेलिया तो चाइना इसको ऐसे परसीव कर रहा है दैट इट्स एन अलायंस ऑफ दिस फोर कंट्रीज टू कंटेन द राइज ऑफ चाइना चाइना को कंट्रोल करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया या कोर्डिलेटरल सिक्योरिटी क्वारिलेटरल बनाया गया है बट इट इज नॉट सो ये एक प्रिज्यूम करने का तरीका है चाइना का इट इज़ एक्चुअली टू एंश्योर फ्री इंडो पैसेफिक इंडो पैसेफिक रीजन को फ्री इन्श्योर करना क्योंकि ये चारों ही कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं तो अब यू की चाइना के लिए क्या पॉलिसी रहेगी अगर वैसी ही पॉलिसी इंडिया की भी चाइना के लिए है देन चाइना में ग्रुप दीज टू कंट्रीज एज देयर एडवर्सरीज जो कि ऑलरेडी हो भी रहा है तो इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया का पॉलिसी रिस्पॉन्स इस पर क्या होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस ये सारे न्यूएंसेस इनमें से किसी भी तरह से घुमाकर आपको मेंस में क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है दैट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूएस टाइज ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस या व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ यूएस चाइना टाइज ऑन इंडिया चाइना रिलेशन एनी सो यू शुड नो ऑल द इंट्री केसेज जिन्हें आप आंसर के फॉर्म में वीव कर सको सो दीज आर ऑल द न्यूज़ दैट यू हैव टू रीड फॉर टुडे अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू बी इन टच विद अवर पोर्टल यू कैन जॉइन बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू एंड हैव अइसडे